नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन में इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, स्पेसिफिक आउटपुट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, फ्रिक्शनल पावर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। और ये एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना ताकि आपको ये जो फॉर्मूले है या जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर में इस तरह के एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ए टेस्ट ऑफ सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक, यानी फोर स्ट्रोक एक ऑयल इंजन, यहाँ पे डिनोट किया है बोर्ड हमारा 450 mm स्पीड, स्पीड हमारा कितना है 300 rpm, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा है वो 6 bar है, ब्रेक पावर जो हमारा है 42.88 kW, मास ऑफ फ्यूल जो हमारा है 4 kg/hours है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो हमारा है वो 44,000 kJ/kg है। अब यहाँ पे है कैलकुलेट इंडिकेटेड पावर। पहला आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है, दूसरा मैकेनिकल इफिशियंसी, तीसरा स्पेसिफिक आउटपुट, चौथा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, पांचवा इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, छठा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी और सातवा फ्रिक्शनल पावर। एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और वेरी इजी वे में सॉल्व कराया जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो जो चीज़ें गिवेन है पहले हम क्या कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज से नोट करते हैं ताकि वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है बोर 300 mm, तो बोर हम किससे नोट करते हैं, डायामीटर से, डी से। तो बोर हमारा कितना है 300 mm। उसके बाद क्या है, बोर हमारा 300 mm हो गया, इसको कम्प्लीट कर लिया हमने। स्ट्रोक हमारा जो है 450 mm है, तो स्ट्रोक हमारा 450 mm, स्ट्रोक को एल से दिखाते हैं, ये 450 mm हो गया। स्ट्रोक हो जाने के बाद अब हमारे पास क्या है, स्पीड। तो स्पीड ऑफ इंजन जो हमारा है, तो स्पीड हम एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से, वो हमको दे रहा है कितना, स्पीड हमको दे रखा है, स्पीड हमारा जो है वो 300 rpm है, 300 rpm। यहाँ पे स्पीड आपको दे रखा है 300 rpm। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर 6 bar, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम डिनोट करते हैं pm से, तो हमको कितना दे रखा है 6 bar। उसके बाद क्या है हमारे पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया। उसके बाद है ब्रेक पावर 42.88, ब्रेक पावर को हम कैसे डिनोट करते हैं, बीपी से, तो ये कितना है 42.88 kW ब्रेक पावर हमारा हो गया। मास ऑफ फ्यूल, तो मास ऑफ फ्यूल हमारे पास दे रखा है, मास ऑफ फ्यूल को हम डिनोट करते हैं mf से, तो मास ऑफ फ्यूल हमको दे रखा है कितना, mf, ये हमको दे रखा है 4 kg/hours, 4 kg/hours। उसके बाद हमको क्या दे रखा है लास्ट में, कैलोरीफिक वैल्यू 44,000 kJ/kg। तो हमारा यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू भी है, सेवी का वैल्यू दे रखा है 44,000 kJ/kg, किलो जूल पर केजी यहाँ पे हमको ये दे रखा है। अब सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इंडिकेटेड पावर, तो अपना फर्स्ट हम देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर को हम डिनोट करते हैं आईपी से, यानी हमको यहाँ पे आईपी निकालना है। तो आईपी हमारा पहला निकालना है, आईपी का फॉर्मूला होता है पीएम इंटू स्मॉल एन इंटू एल इंटू ए इंटू के इंटू 10/6 kW। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है। पहला यहाँ पे पीएम, तो पीएम हमको दे रखा है। दूसरा हमारे पास एन, एन नहीं दिया है, तो एन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एन वाला। अब देखिए यहाँ पे ऑयल इंजन 4 स्ट्रोक यहाँ पे दिया था, तो ये 4 स्ट्रोक दिया क्यों है, स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 स्ट्रोक अगर देता है तो वहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं, अगर आपका इंजन 2 स्ट्रोक का है
स्ट्रोक का है, और वहां से अगर आपको एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एन का वैल्यू हमारा जो होता है वो स्पीड के इक्वल हो जाता है, यानी स्मॉल एन का वैल्यू नंबर ऑफ एक्सप्लोजन जो होता है वो स्पीड जितना रहेगा उसके इक्वल हो जाता है। बट अगर 4A स्ट्रोक हो गया तो 4A स्ट्रोक में अब जो एन का वैल्यू हो जाता है वो स्पीड का हाफ हो जाता है, यानी n/2 हो जाता है। एन हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द इंजन, और एन हमारा जो होता है वो नंबर ऑफ एक्सप्लोजन पर मिनट होता है, पर मिनट नंबर ऑफ एक्सप्लोजन पर मिनट दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 4A स्ट्रोक या 2A स्ट्रोक का जिक्र नहीं किया हो तो आप वहां पे 4A स्ट्रोक लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे एन का वैल्यू पता करना है, तो एन का वैल्यू क्या होगा हमारा, अब ये कौन सा इंजन है, 4A स्ट्रोक इंजन है जो हमने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4A स्ट्रोक, तो हमारा ये 4A स्ट्रोक इंजन है, तो 4A स्ट्रोक वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा हमारा, n/2, तो कैपिटल एन हमारा कितना है 300, और बाई 2, तो 300/2 हमारा कितना हो जाएगा 150, नंबर ऑफ एक्सप्लोजन हो जाएगा एन का वैल्यू 150। तो हमने यहाँ पे एन को भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा ये एन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद है एल, एल हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो हमारा यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ए, एरिया ऑफ द एरिया है हमारा, तो एरिया क्या होता है π/4 d² तो d का वैल्यू है उससे कैलकुलेट कर लेंगे। के, अब के पूछ रहा है, तो के हमारा जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सिलेंडर, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है सिलेंडर के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ए टेस्ट ऑफ सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन, सिंगल सिलेंडर की बात किया है, यानी एक ही सिलेंडर है, तो एक ही सिलेंडर यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 10/6, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम सबसे पहले इसका यूनिट सेम कर लेते हैं, तो 300 mm को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 मीटर, 450 mm को क्या लिख सकते हैं 0.45 मीटर, और बाकी सब सेम है। मेन इफेक्टिव प्रेशर आपको भी बार में ही लेना है, तो यहाँ पे आपको बार वाला ही यूज करना है। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। तो पीएम सबसे पहला हमारा पीएम है, तो पीएम हमारे पास 6 बार है, तो 6 रखेंगे इनटू यहाँ पे एन, एन का वैल्यू हमने भी कैलकुलेट किया यहाँ पे 150 इंटू यहाँ पे क्या है एल, एल का वैल्यू हमारे पास है 0.45 इंटू यहाँ पे क्या है ए, तो ए हमारा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एल तो हमने लिख लिया, और ए हमारा क्या हो जाएगा π/4 d², तो डी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.3 मीटर, तो यहाँ पे डी की जगह पे यहाँ पे क्या रख लेंगे 0.3 मीटर का स्क्वायर, π/4 d² हो गया। अब फिर यहाँ पे के है, तो के का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे के नंबर ऑफ सिलेंडर कितना था 1, तो के का वैल्यू 1 इंटू यहाँ पे 10 अपॉन अपॉन नीचे में क्या है हमारे पास 6 अपॉन 6, और ये किस में चेंज हो जाएगा किलोवाट में। तो यहाँ से इंडिकेटेड पावर IP निकल के आएगा कितना हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 47.71 किलोवाट, ये हमारा क्या निकल जाएगा इंडिकेटेड पावर निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे बोला था, क्वेश्चन में जो पहला टर्म हमसे बोला था उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यानी इंडिकेटेड पावर हमने निकाल लिया, वो कितना आया 47.71 किलोवाट। अब दूसरा चीज़ हमसे क्या पूछा है, ये पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हमसे पूछा है मैकेनिकल इफिशियंसी, तो अब हम मैकेनिकल इफिशियंसी निकालेंगे। तो मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना है सेकंड को जो आपका है, तो सेकंड क्या है हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी हम निकालते जो है, मैकेनिकल इफिशियंसी हमारा क्या हो जाता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ब्रेक पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी जो हमारा हो जाएगा ब्रेक पावर हमको दे रखा है कितना 42.88, तो यहाँ पर रख लेंगे 42.88 अपॉन IP यानी इंडिकेटेड पावर कितना है 47.71, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी जो हमारा आ जाएगा वो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 89.9%, ये हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से
मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हमने सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया मैकेनिकल एफिशिएंसी का। अब हमसे जो थर्ड पार्ट बोला है तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है स्पेसिफिक आउटपुट। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड पार्ट करना है स्पेसिफिक आउटपुट। तो स्पेसिफिक आउटपुट हमारा क्या होता है, ये भी बहुत ही ईजी है। तो अब हमको निकालना है क्या, थर्ड पार्ट जो है वो है स्पेसिफिक आउटपुट। आउटपुट तो स्पेसिफिक आउटपुट जो आपका होता है यानी SPO, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला BP बाई यानी ब्रेक पावर अपॉन एरिया इंटू स्टॉक, तो A इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का आप नोट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक आउटपुट। तो अब हम सारे वैल्यू को रखेंगे तो स्पेसिफिक आउटपुट जो हमारा होगा BP, बी का वैल्यू, BP का वैल्यू हमको पता है, BP हमारे पास कितना है 42.88। तो हम यहाँ पे BP की जगह पर रख लेंगे 42.88, 42.88 अपॉन ए, ये हमारा एरिया हो जाएगा यानी पाई बाई 4 D²। डी का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, तो डी का वैल्यू है हमारे पास 0.3। तो डी की जगह पर रख देंगे 0.3 का होल स्क्वायर पाई बाई 4 D², ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। इंटू यहाँ पे एल, एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, एल हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्टॉक, तो एल हमारा है 0.45 मीटर, तो एल की जगह पर रख लेंगे 0.45 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा 1348.06 kW/m³। ये हमारा क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक आउटपुट मिल जाने के बाद अब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या बचा है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे तो फोर्थ पार्ट के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, आपका जो फोर्थ पार्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन यानी SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर यानी MA/BP। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे MF का वैल्यू कितना है, MF हम देख लेते हैं, मास ऑफ फ्यूल 4 kg, यहाँ पे है 4 kg/h, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होगा वो ऊपर में हो जाएगा 4 kg/h में अपॉन BP, ब्रेक पावर हमको कितना दे रखा है, BP हमारे पास है 42.88 kW, 42.88 kW। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, अब इसको जब हम SFC निकालेंगे आपसे यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो इस 4 में 42.88 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.32 × 10⁻²² kg/kg/kW घंटा यानी किलोवाट हावर्स। यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये हमने जो फोर्थ पार्ट था वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फोर्थ पार्ट के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है, क्या पूछा है फिफ्थ पार्ट में। तो आपसे फिफ्थ पार्ट में पूछा है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, यहाँ पे है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी हमको फोर्थ पार्ट निकालना है, फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं, इंडिकेटेड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड एफिशिएंसी यानी नेटा ITH, ITH का मतलब क्या हो गया, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IP/MF × CV। अब IP हमारा इंडिकेटेड पावर है, MF हमारा मास ऑफ फ्यूल है, और हमारा CV जो हमारा है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और हम अपना आंसर गेन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू IP, यहाँ पे लिखना है IP। तो IP का वैल्यू हमारे पास कितना है,
आईपी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 40.71, तो यहाँ पे आईपी की जगह पर रख लेंगे 47.71 अपॉन एमएफ। तो एमएफ हमारे पास कितना है, एमएफ मास ऑफ फ्यूल हमको दे रखा है कितना, 4 kg per hours। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मास ऑफ फ्यूल जो है वो 4 kg per hours है, 4 kg per hours है, पर आवर्स इनटू, अच्छा ये हमारा आईपी जो है हमारा किलोवाट में, तो इतनों का यूनिट लिख लेते हैं। आईपी हमारा 47.71 किलोवाट था, मास ऑफ फ्यूल हमारा 4 kg per hours है, सीबी, सीबी हमारा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पे सीबी 44,000 kJ/kg। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 44,000 kg, 44,000, एक मिनट यहाँ पे क्या दे रखा है, 44,000 kJ/kg, 44,000 kJ/kg पे है, पर केजी। तो अब हमको क्या करना होगा, इस यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमको दे रखा है यहाँ पे ये आवर्स में दे रखा है, तो आवर्स को हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे यूनिट को हटा देते हैं, और आवर्स में अगर आपको चेंज करना है इसको, ये फोर की यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 × क्या था हमारा, मास ऑफ फ्यूल 4, और हमारा सेवी कितना था 44,000। अब हम क्या करेंगे, इस 4 kJ/hours था, तो आवर्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 47 × 71 × ये नीचे में 3600 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3600 अपॉन क्या बचेगा हमारे पास, 4 × 440 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो भी एफिशिएंसी होता है वो हमारा परसेंटेज में ही होता है, तो हम इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को, तो सॉल्व करने से हमको मिल जाएगा क्या, 97.9, ये हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हम फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। एक चीज आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास मास ऑफ फ्यूल दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, अगर ये आवर्स में है तो उसको सेकेंड में चेंज करके तभी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, नहीं तो आपका ये थर्मल एफिशिएंसी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सिमिलर है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के, तो यहाँ पे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कौन सा पार्ट, 6th नंबर पार्ट, ब्रेक थर्मल, बी थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वही चीज, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हमारे मैंने क्या निकालना है आपको, बी नेटा BTH, BTH का मतलब हुआ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो इसका फॉर्मूला होता है बीपी बाई एमएफ इनटू सी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके क्या निकाल लेंगे, यहाँ से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक थर्मल जो आएगा क्या हो जाएगा, बीपी, तो बीपी हमें पता है, बीपी हमारे पास कितना है, बीपी हमको दे रखा था 42.88 kW, तो यहाँ पे हम बीपी की जगह पे क्या रख लेंगे, 42.88 अपॉन एमएफ, एमएफ हमारा क्या है, मास ऑफ फ्यूल है, और यहाँ पे सीबी रहेगा, मास ऑफ फ्यूल है, तो मास ऑफ फ्यूल हमारा कितना दे रखा है, 4 kg per hours दे रखा था, सीबी हमको दे रखा था 44,000। तो यहाँ पे
और ये फिर देर मास ऑफ फ्यूल आपका आवर्स में दे रखा था, तो आवर्स में है तो इसको कित में चेंज करेंगे हम, सेकेंड में, तो उसको चेंज करने के लिए हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, तो ये हमारा हो जाएगा 42.88 इंटू ये 36, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 अपॉन नीचे में क्या बच जाएगा 4 × 44000, 00 से 00 ये कैंसल आउट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंडिकेटेड ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो हमारे यहाँ से आएगा वो हो जाएगा 87.7%। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रेक थर्मल इफिशियंसी आएगा वो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी से कम ही होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी कितना है 97.5, बट यहाँ पे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 87.7 आया। अब और देख लेते हैं और क्या चीज़ हमसे पूछा गया, तो शायद एक लास्ट और चीज़ हमको जो निकालना है, तो सिक्स पार्ट हमने भी कैलकुलेट कर लिया, लास्ट पूछा है फ्रिक्शनल पावर, तो फ्रिक्शनल पावर बहुत ही ईजी कैलकुलेट करना, तो अब हमको क्या निकालना है फ्रिक्शनल पावर। तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पार्ट लिख लेते हैं, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल पावर से पावर को हम डिनोट करते हैं एफ से। फ्रिक्शनल पावर हमारा जो होता है वो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर होता है। अब इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा फ्रिक्शनल पावर मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शनल पावर हमारा क्या हो जाएगा इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर हमको पता है इसमें क्वेश्चन में इंडिकेटेड पावर हमने कैलकुलेट किया हो 47.71, तो इंडिकेटेड पावर की जगह पे क्या रख देंगे 47.71 माइनस बीपी। बीपी हमारा क्या है ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर क्वेश्चन में हमको दिया था कितना 42.88 किलोवाट, तो हम यहाँ पे ब्रेक पावर रख लेंगे 42.88 किलोवाट। अब इसको माइनस करेंगे तो फ्रिक्शनल पावर जो आपका आ जाएगा वो कितना आएगा 4.83 किलोवाट, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा फ्रिक्शनल पावर। तो इस क्वेश्चन में हमने जो भी कंसेप्ट है ये हमारे परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन से, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन से जो भी हमारे परफॉर्मेंस थे, तो ब्रेक पावर, थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, फ्रिक्शनल पावर, इंडिकेटेड पावर, इन सबको कैसे कैलकुलेट करना है इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक को देख लिया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाके उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। सो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।